लाइफ में ना कुछ ऐसे रिश्ते जरूर होते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन आप उन रिश्तों में जकड़े रहते हैं, उन्हें अपने रिश्तों से दूर नहीं होने देते। आपको लगता है कि आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए आप उन्हें नहीं छोड़ते, उन रिश्तों को जकड़े रहते। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उन रिश्तों को जाने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो खुद से आपके पास आ जाए? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगदे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद परवी। लाइफ में ये फील करना ना कि रिश्ते बहुत अहम होते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है। अगर हम किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में, हमें उन रिश्तों की अहमियत पता होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों की अहमियत नहीं जानते, तो हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें एहसास नहीं करा सकते, क्योंकि वो ना उनके हैबिट में। लेकिन अगर सामने वाला किसी वजह से आपसे नाराज है, या आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको अवॉइड कर रहा है, जो भी, तब आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे सामने वाला आपसे फिर से बात करेगा, आपके करीब आएगा। तो वो कौन सी सिचुएशन है, चलिए बताएं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सामने वाले को थोड़ा स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब आप उनसे थोड़ा दूर चले जाइए, अगर आप उनके आसपास रहते हैं तो। और अगर आप आसपास नहीं रहते लेकिन आप उनके 24 घंटे आप उनके करीब हो जाते हैं, रहते हैं, और आप उन्हें थोड़ा भी टाइम नहीं देते अकेले बिताने के लिए, तो उन्हें स्पेस देना बहुत जरूरी है। हाँ, आप कॉल मैसेज करके आप अगर ये सोचते हैं कि आप उन्हें स्पेस दे रहे हैं, तो भी गलत है। आप उन्हें बिल्कुल कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें बिल्कुल ना कॉल करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना कोई टेक्स्ट करेंगे, यानी आप उन्हें थोड़े दिन के लिए स्पेस दे देंगे, ये फील करके कि सामने वाला अभी रेस्ट में, बस ये फील कीजिए, और कुछ दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। सामने वाले को जब ये फील होगा ना, उसके अंदर से जब ये फीलिंग आएगी कि आप उनके लिए कुछ अहमियत रखते हैं, तो वो पलट के जरूर कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, या फिर व्हाट्सअप करेंगे, कुछ भी करेंगे जरूर। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़े रह गए, आप उनसे दूर जाके बैठ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो भी स्पेस देना नहीं हुआ। इसलिए आपको थोड़ा टाइम उन्हें देना चाहिए ताकि वो आपके बारे में फील कर सके। अच्छा, पहले तो आपको इग्नोर करने की वजह जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो सामने वाले पे, या फिर हो सकता है आप उनके पीछे पड़े रहते हो, या फिर हो सकता है आपकी उनकी अनबन बनती रहती हो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूर होगी जिससे वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपसे रिश्ता ही तोड़ना चाहते हैं। तो वो क्या है, उन पे थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, और खुद को हमेशा फेयर अच्छा फील करना नहीं चाहिए, यानी हम सही है, सामने वाला गलत, ये फील करना और सामने वाले को गलत ही फील करना हमेशा बिल्कुल गलत होता है। खुद को भी टटोलना बहुत जरूरी होता है। अगर हम खुद को टेस्ट नहीं करेंगे कि हम सही हैं या गलत, तो हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, हमेशा सामने वाला गलत होगा। इसलिए ना खुद को भी टेस्ट करना जरूरी है कि कहीं मैं तो गलत नहीं। लेकिन अगर आप खुद को बार बार फालतू का ब्लेम करते जा रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। आप पहले टेस्ट कीजिए कि गलत कौन है, फिर उसके बाद फील कीजिए, और कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। जब ऐसा करेंगे ना, तो फिर वो गलतियां समझ में आएंगी, वो बातें समझ में आएंगी, और क्या हमें नहीं करना चाहिए उन चीजों को हम समझ पाएंगे और आगे रिश्ते को बढ़ा पाएंगे। अच्छा, मान लिया आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है, गलती किसकी है ये पता चल गया, लेकिन अब निवारण, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि गलती किसकी है। अगर उनकी गलती है तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, और अगर आपकी गलती है तो उनके साथ आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उनकी उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना होगा, उनकी फीलिंग्स को फिर से ठीक कैसे कर सकते हैं, उन्हें फिर से आप हैप्पी कैसे कर सकते हैं, ये फील करना बहुत जरूरी है, और समझ के उसे अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। मान लिया अगर आपने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो सामने वाले को पसंद ही नहीं थी, वो कभी नहीं आपके मुंह से सुनना चाहता, लेकिन आपने उन्हें बोल दिया है, तो आप उनको सॉरी बोल सकते हैं। कुछ नहीं, आप उन्हें सॉरी ना बोलें, कुछ ऐसा गिफ्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर उन्हें सरप्राइज दे दीजिए। कुछ ऐसी चीजें जरूर करते रहना चाहिए जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा और वो आपसे फिर से बात करने लगेंगे। लेकिन अगर सामने वाले की गलती है, तो क्या करना चाहिए, उन्हें
धीरे धीरे रियलाइज करें, क्योंकि होता क्या है कि अगर गलती है ना तो आप गुस्सा दिखा देते हैं, मुंह बना के आप दो दिन उनसे बात नहीं करते, तो कुछ होना नहीं है, सामने वाले को तो एहसास होगा ही नहीं कि आपने उन्होंने क्या गलती की है। इसलिए उन्हें एहसास कराने के लिए आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाना चाहिए, ताकि सामने वाला फील करे। अब आप गुस्से में साइलेंट हो रहे हैं तो वो अलग बात हो जाती है कि आप नाराजगी दिखाते, आप नाराजगी मत दिखाइए, आप सामने वाले का हर काम कीजिए, लेकिन कुछ टाइम उन्हें छोड़ दीजिए। जब उन्हें फील होगा ना, वो आपसे खुद सॉरी बोलने आएंगे, इसलिए उन चीजों के लिए भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपको रिश्ता अच्छा बनाना है, तो ना रिश्ते में सामने वाला अगर आपको खुश देखता है, हैप्पी देखता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप हमेशा अपसेट रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, आप उनको डाउन फील कराते रहते हैं, ऐसी चीजें अगर आप करते रहते हैं बार 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 बार, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो धीरे धीरे आपको अवॉइड करने लगेगा, इग्नोर करने लगेगा, क्योंकि वो आपकी कंपनी को अच्छा फील नहीं कर रहा, इंजॉय नहीं कर रहा। आपकी कंपनी अगर इंजॉयफुल नहीं होगी तो सामने वाला आपको अपना वक्त, कीमती वक्त क्यों देगा। इसलिए आपको ये फील करना जरूरी है कि कहीं आप उनसे बहुत बुरी बातें, या फिर आप उन्हें हमेशा उदासी वाली बातें, या आप हमेशा उनको प्रॉब्लम्स वाली बातें तो डिस्कस नहीं करते। कुछ ऐसी बातें जरूर करते रहने चाहिए जो सामने वाले को भी अच्छी लगे। अच्छा, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आपकी दिन रात चैन बिल्कुल गायब हो जाता है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ना सो पाते हो, ना जाग पाते हो, आपको टेंशन ही टेंशन होने लगती है, आपको लगता है सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, उस समय आपको इजी होना है, क्योंकि होता यही है, जो प्रॉब्लम आज चल रही है ना, वो कल नहीं होगी, वो आपको दिखेगी भी नहीं, और आप भूल भी जाओगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई भी थी। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है और चली जाती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना बहुत जरूरी है, और वो थोड़ा सा टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ा के सामने वाले को भी अवॉइड करने लगे, अगर सामने वाले को ही इग्नोर करने लगे और उनसे दूरी बनाने लगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलता है? आप कहीं ये तो गलत फहमी में नहीं कि सामने वाला बिजी है, या वो कॉल पे है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट उसकी जर्नी जा रही है, लाइफ जा रही है, और आप ये फील नहीं कर पा रहे, आपको ये लग रहा है कि सामने वाला आपको अवॉइड कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले तो ये चेक कीजिए कि आपको वो पक्का है ना कि वो इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ये तो नहीं कि वो किसी मीटिंग में बिजी था या कहीं और बिजी था और आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है। सबसे पहले पक्का करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपको अवॉइड कर भी रहा है कि नहीं। अच्छा, हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है ना, तो फिर ये जरूर चेक कीजिएगा कि सामने वाले की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही जिसकी वजह से वो इरिटेट रहता है, या गुस्से में रहता है, या वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता। तो पहले ये भी चेक करना जरूरी है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्हें मदद जरूर दें, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो आपके फिर से करीब आ जाए। वैसे सच तो ये भी है ना कि रिश्तों में ऐसा फील कराना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि आप जब ये बार बार फील कराने लगते हैं ना कि आप उनके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो भी तो आपके लिए कुछ करता होगा ना। तो आपको हमेशा उन्हें डाउन फील कराने की जरूरत नहीं है। उन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आप उनसे क्वालिटी टाइम दीजिए, लेकिन उस क्वालिटी टाइम में आप उन्हें इंटरटेन कीजिए, उन्हें अच्छी फीलिंग दिलाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे लड़ने झगड़ने बैठ गए, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्वालिटी टाइम का मतलब आप उन्हें बहुत अच्छा समय दे रहे हैं, और वो अच्छा समय आपकी लाइफ के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपको उन्हें अच्छा फील कराना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि मैं वन साइड की बात कर रही हूँ, वो भी आपको अच्छा फील कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ना आपको उन्हें अच्छा फील कराना होगा। जब आप उन्हें अच्छा फील कराएंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और वो भी किसी न किसी तरह आपको अच्छा फील कराने की जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा, खुद को ना हमेशा दोष देने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे से ही गलती हो गई, मैंने ही किया, हमेशा मैं ही करती हूँ, वगैरह वगैरह जो भी। तो आपको ना ऐसा नहीं करना है, हमेशा खुद को भी दोष नहीं देना है, ना ही हमेशा सामने वाले को दोष देना है। बस इजी रहना है, जो हुआ ठीक हुआ, आगे अच्छा होगा, इस चीज का फीलिंग लाना और सामने वाले को रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है। अच्छा, मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम किसकी साइड से है,
तो फिर क्या करना चाहिए? किसी एक इंसान, वो दोस्त हो सकता है, वो आपका दूसरा रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके करीब हो, उससे अपनी बात डिस्कस कीजिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो केवल आपको अपनी साइड दिखाई देती है, सामने वाले की साइड नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे इंसान को बीच में बिठाएं और समझने की कोशिश करें कि कहीं गलती आपसे तो नहीं। तो इन चीजों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सामने वाले को ना ओवर अहमियत देना भी गलत है। अगर आप ये फील करते हैं कि हम सामने वाले को इतनी अहमियत दे दें कि सामने वाला हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो बिल्कुल गलत है यार। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको ओवर अहमियत किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, आप उनके बारे में अच्छी फीलिंग रखिए, उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन उन्हें ये रियलाइज कभी मत होने दीजिए कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप उनके बिना जी नहीं सकते हो। क्योंकि ऐसी जब फीलिंग्स आ जाती है ना, तो लगता है कि बस यही तो मुझे चाहिए था, और वो गलत हो जाता है। क्योंकि आप अगर ये फील कराने लगेंगे, आप उनकी कॉल तुरंत उठा लेंगे, आप उन्हें मैसेज करते ही तुरंत मैसेज का रिप्लाई करने लगेंगे, आप हमेशा अवेलेबल सामने वाले के पास रहेंगे ना, तो उनकी अहमियत नहीं देंगे, सामने वाले आपको कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी अहमियत को अप रखने के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी काम करें। अच्छा, जब ना ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, तो फिर आप बुझे बुझे से रहने लगते हैं, आप अकेले अकेले रहने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सामने वाले को ये फील कभी मत होने दीजिए कि आप उनके बिना अपसेट हैं, आप उनके बिना जी नहीं सकते। इसलिए आपको हमेशा किसी ऐसे दोस्त की आवश्यकता हो सकती है जो आपके साथ रहे, आपको हैप्पी रखे, और उन्हें भी ये रियलाइज ना होने दीजिए कि आप उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि आप खुद के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप खुद को अच्छा फील कराना चाहते हैं और हमेशा खुश रहिए। जब उनके सामने आप खुश रहेंगे और उन्हें फील नहीं होने देंगे, तो लाइफ फिर से चेंज होगी, टर्न फिर से आएगा लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस पर ठीक काम करना है। यानी आपको अकेले नहीं रहना, आपको ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अगर सामने वाला इग्नोर कर भी रहा है, तो आप थोड़ा सा उन्हें भी इग्नोर कीजिए। इग्नोर इन द सेंस कि आप अपने काम में व्यस्त हो जाइए। जब आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे ना, तो उन्हें टेंशन होने जाएगी कि भैया वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। तो वो तब भी होगा जब आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे या आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। बस अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, तो सामने वाला आपको पलट के जरूर पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब आप उन्हें बैठा के समझा सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। तो जरूरी है थोड़ा रिश्तों को समझना, परखना और उन्हें आगे बढ़ाना। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी अच्छे इंसान से या अपने एक रिश्ते में या किसी दोस्त से इस बात को डिस्कस करनी है, लेकिन आप हर किसी से गॉसिप में ये सारी बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि मामला और खराब हो जाएगा। एक ने कुछ बोला तो दूसरा जरूर दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर देगा, जिससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और इसे गॉसिप का मैटर तो बिल्कुल मत बनाइए। बस एक इंसान को जिससे आपको लगता है कि वो ये आपकी बात गुप्त रखेगा और आपको समझेगा और सामने वाले को समझाने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ है, तब आप उनसे डिस्कस कीजिए। नहीं तो सबको गॉसिप करके ये बताने की जरूरत नहीं। ये बोलना आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये सच है। अगर सामने वाला आपसे अब कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता और हर बार आप लोगों का रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आप आगे नहीं हो पा रहे, यानी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको इस सच्चाई से संघर्ष करना ही पड़ेगा कि आपको ये रिश्ता छोड़ना है और सामने वाला आपको छोड़ना चाहता है, इस रिश्ते को यहीं स्टॉप करना चाहता है। तो उसे स्टॉप करने दे और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से फिर से जीने की कोशिश करें। माना बहुत कठिन है, लेकिन इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप मान लेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर बनेगी और आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। तो जाते थे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को ना बेहतर बनाना है, तो अपनी सोच को बेहतर बनाए और हमेशा सामने वाले को ब्लेम करना छोड़ दें और ना ही खुद को ब्लेम ऑल टाइम करते रहें। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तो रिश्ते हैं, आज है कल नहीं, लेकिन खुद को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को टूटने ना दें, आगे बढ़ते रहें, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो और देख सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।